गाइस, जैसा कि आपको पता है, टेक्नोलॉजी दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है, ग्रो होता जा रहा है और इम्प्रूव करता जा रहा है। उसी के हिसाब से पुराने ज़माने की अगर टीवी की हम बात करें तो पुराने ज़माने के गाइस टीवी कुछ इस तरीके के थे, लेकिन अभी के गाइस ज़माने पर बहुत सारे LCDs, बहुत सारे स्लिम टीवीज आ गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के घर में ऐसे टीवी पड़ा है गाइस, कुछ लोगों की बात छोड़ो, हमारे घर में भी अभी ऐसा ही टीवी एक पड़ा है। लेकिन अभी उसका अगर ऑडियो की बात करें, उसका ऑडियो में अब वो वाली बात नहीं रही, मतलब वो वाली कि अब तो टीवी के ऑडियो जानते हैं, उस पर इतना ज़्यादा बेस नहीं होता। लेकिन गाइज, अभी के ज़माने के जो स्मार्ट टीवीज आ गए हैं, उन पर हम एक्सटर्नल स्पीकर्स भी लगा सकते हैं। क्या आपको पता है कि हम जो ओल्ड टीवी है उस पर भी एक्सटर्नल स्पीकर लगा सकते हैं? कैसे लगाएंगे, क्या कुछ करेंगे, उसके लिए हमें एक कनेक्टर, एक डिवाइस बनाएंगे। डिवाइस हम इसे नहीं बोलेंगे, हम इसको एक जुगाड़ बोलेंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा जुगाड़ बनाएंगे, ऐसा कनेक्टिंग डिवाइस बनाएंगे जिसको यूज करके आप अपने होम थिएटर के साथ आपका टीवी किसी भी जनरेशन का हो उसको अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। और एक्सटर्नली जब आप आपके फ़ोन से भी बजा रहे हैं, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, होम थिएटर के साथ साथ आपके टीवी पर भी वो म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं और टीवी पर जो ऑडियो चल रहा है उस ऑडियो को आप होम थिएटर पर भी चला सकते हैं। जिससे कि गाइज, आप अगर मूवी वगैरह देखते हैं या फिर कुछ भी ऐसे चीज़ देखते हैं और उसका जो ऑडियो है वो अगर अच्छा इम्प्रूवमेंट कर जाता है तो वीडियो को देखने में या फिर मूवीज़ को देखने में हमारी दिलचस्पी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे वही वाला डिवाइस जो डिवाइस आपके होम थिएटर को कनेक्ट करेगा आपके टीवी के साथ, चाहे आपका टीवी किसी भी जनरेशन का हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंदन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो इंसान। अगर आप हमारे परिवार पर नहीं, परमानेंटली जुड़ने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कैसा लगा वीडियो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं। या फिर गाइस, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DMs कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। हम वहां पर बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट पोस्ट करते हैं। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इसको बनाने के लिए हमें इस तरह के RCA सॉकेट चाहिए, RCA का प्लग चाहिए, और उसके बाद हमें इस तरीके का गाइस 3 स्विचेस चाहिए, एक कॉपियर केबल हमें चाहिए होगा, उसके बाद इस तरीके से आपको एक पेटी का कॉट पीस चाहिए होगा इसका बॉडी को बनाने के लिए। सो गाइस, अभी इसका बॉडी को लेट्स बनाते हैं। गाइस, कटिंग के बाद इसका बॉडी का जो कॉट पीस है वो बन चुका है। अभी हम इसका मेजरमेंट, जो गाइस हमने इंस्ट्रूमेंट्स लिया था उनका मेजरमेंट को हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे और इन सब को काट देंगे। तो गाइस, मेजरमेंट ड्रॉ होने के बाद अभी हम कॉपियर केबल का मेजरमेंट को भी यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद गाइस, स्विच का भी मेजरमेंट हमको ड्रॉ करना होगा। उसके बाद गाइस, हम इसका बॉडी बनाएंगे, इसको हम गाइस बाद में काट लेंगे। गाइस, लेट्स मेक इट्स बॉडी। लुक एट दैट गाइस, बॉडी बनने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। अभी गाइस हमें क्या करना होगा, हमें जो मेजरमेंट किए थे उनको हम काट के इसका जो सारा जो इंस्ट्रूमेंट है उन सबको फिक्स कर देंगे। तो क्या कुछ करना है गाइस, लेट्स सी। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर सब कुछ हमने इंसर्ट कर दिया है अच्छे से ग्लू के मदद से। हमने जो इसका बॉडी बनाया था, हमने इसके बॉडी पर भी एक स्विच लगा दिया है क्योंकि इस पर अब लगाने के लिए जगह नहीं बचा था, तो इसको हमने नहीं दिखा पाए। आप इस तरीके से एक लगा दीजिएगा स्विच। यहाँ पर हमें दो स्विचेस चाहिए। अभी गाइस बारी है इसकी कनेक्शन की, तो इसकी कनेक्शन करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। आज पर द डायग्राम, लेट्स मेक इट्स कनेक्शन। तो ये है गाइस इसका डायग्राम। अगर इसकी डायग्राम के कनेक्शंस की हम बात करें तो ये है इसका कनेक्शन। अब इस कनेक्शन को फॉलो करके, ये डायग्राम को फॉलो करके इसका जो कनेक्शन है वो कर लीजिएगा। अभी गाइस इसका बाहर का कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो गाइस आपको दिख रहा होगा दो, एक ये वाला और एक ये वाला, जहाँ पर वीडियो लिखा गया है, मतलब RMR दिया गया है वीडियो लिखा हुआ कर, तो उन दोनों में से किसी एक पर आपका वीडियो का केबल कनेक्ट होगा। मतलब सेटअप बॉक्स से जो येलो कलर का केबल लगाया गया होगा वो केबल इन दोनों में से आपको कहीं पर भी एक लगाना होगा, और दूसरे से कहीं एक से जो RC का प्लग आया था, हमने बनाया था, उस प्लग को एक लगा के आपका TV के वीडियो के इनपुट के जगह पर आप कनेक्शन कर दीजिएगा। गाइस फिकर मत कीजिए, अभी आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रहा होगा लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ताकि अगर आप अभी से थोड़ा जाने होंगे तो एंड में मैं जब इनको आपको करके बताऊँगा तो आपको समझने में कोई भी
परेशानी ना नहीं होगी। तो ये था गाइस ये दोनों की बात। अभी इन दोनों की अगर बात करें, इन दोनों पर आपका जो आया होगा मतलब जो सेटअप बॉक्स से जो बाकी के दो तार निकले होंगे, एक होगा व्हाइट का एक होगा रेड का, आपको व्हाइट को व्हाइट के साथ रेड को रेड के साथ कनेक्ट करना है। फिर आप जो सिंगल टू टू आरसी वाला होम थिएटर केबल लिए होंगे उसका व्हाइट को व्हाइट के साथ रेड को रेड के साथ कनेक्ट करना है। और जो गाइस बाकी दो दो यहाँ पर रहा, यहाँ पर से एक पर आपको आरसी का प्लग लगाना है और उस प्लग को लेके आपका टीवी के रेड के साथ और एक आरसी का प्लग लेके व्हाइट जो इस व्हाइट पर व्हाइट के साथ लगाना है और उस प्लग को गाइस सीधा सीधा लेके टीवी के व्हाइट के साथ कनेक्ट करना है। फिक्र मत कीजिए गाइस, आपको आगे जाकर इन सबको प्रैक्टिकली देखने को भी मिल जाएगा। जो कॉपियर केबल है गाइस, कॉपियर केबल पर आपका होम थिएटर का जो 3.5mm जैक होगा उसको कनेक्ट करना है। तो अगर आप चाहें तो इस कॉपियर केबल के दूसरे एंड पर एक और AUX का केबल लगा के डायरेक्ट आपके होम थिएटर को भी प्ले कर सकते हैं। तो बस इतना ही था इसका कनेक्शन। अभी चलते हैं इनके प्रैक्टिकल की तरफ, मतलब इन सब कनेक्शन को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, उसके बाद एंड में मैं इनका वायरिंग गाइस करूंगा जिस पर आपको अच्छे से भी बता दूंगा किसको किसके साथ कनेक्ट करना है, और फिर गाइस देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर सब कुछ हो चुका है डन और आप देख सकते हैं कि हमारा कनेक्शन जो है वो रेडी हो चुका है। अभी हम इसके ढक्कन को बंद करेंगे ग्लू के मदद से। तो लेट्स सी, गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनल लुक इसका कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो गाइस अब इसका कनेक्शन के लिए हमने इस तरीके का गाइस सिंगल टू टू आरसी वाला होम थिएटर का जो आते हैं प्लग वो यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने जो आरसी का सॉकेट सॉरी प्लग लिए थे उनको यूज करके हमने कुछ इस तरीके का कनेक्टर बना लेना है। और गाइस नाउ लेट्स गो फॉर द टेस्टिंग। गाइस देख सकते हैं ये है हमारा होम थिएटर और टीवी का सिस्टम। गाइज अगर इसके पीछे आप देखें तो नॉर्मली जिस टीवी पर जैसा होता है हर टीवी पर, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। देख सकते हैं कि ये है हमारा सेटअप बॉक्स और सेटअप बॉक्स पर आपको तीन का आउटपुट देखने को मिल जाएगा। एक जो है येलो का, ये है वीडियो का आउटपुट, और गाइज जो दो दो है वो है ऑडियो का एल और आर का आउटपुट। तो
गाइस अभी इन सब का कनेक्शन को हम करते हैं। तो क्या कुछ कनेक्शन करना है गाइस मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये जो वायर गया है हमारे टीवी के पीछे के साइड पर गया है और इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके का है। यहां पर देख सकते हैं वीडियो का जो येलो कलर है और LR का व्हाइट और रेड है। तो आप देख सकते हैं कि वहां पर का कनेक्शन टीवी के साथ भी कुछ उसी तरीके का कनेक्शन किया गया है। येलो को वीडियो के इनपुट पर दिया गया है और ये जो है इन सब को गाइस अभी हम निकाल लेंगे और हमारे कनेक्टर के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो वीडियो का जो येलो कलर का केबल है उसको हम पहले कनेक्ट करेंगे इसी को। As you can see guys यहाँ पर हमने वीडियो का जो कनेक्टर है उसको कनेक्ट कर दिया है और बाकी के जो ऑडियो का दो कनेक्टर रहा उन दोनों को भी हम कुछ इसी तरीके से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर guys जो कनेक्शन है इनको आप ध्यान से ज़रा देखिए। As you can see guys अभी हम यहाँ पर एक और दूसरा कनेक्टर लेंगे वीडियो के आउटपुट लेने के लिए और उस कनेक्टर को हम सीधा सीधा कनेक्ट कर देंगे टीवी के वीडियो के इनपुट पर कुछ इस तरीके से। अभी गाइस हमने जो होम थिएटर का केबल लिया था उस होम थिएटर के केबल को लेंगे ताकि हम इस पर फोन से भी ऑडियो इनपुट करके प्ले कर सकते हैं म्यूजिक और उसको हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर गाइस देख सकते हैं ये है इसका ऑडियो का जैक। अभी गाइस हम दूसरा का केबल जो बनाए थे उस केबल को लेंगे उसको अब भी हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे और उसको सीधा सीधा लेके L हो या फिर R हो कहीं पर भी एक हम लगा देंगे। तो हम यहाँ पर R पर लगा रहे हैं। गाइस आपको दूसरा केबल लेना होगा उसको भी आपको यहां पर कनेक्ट करना है और गाइस उसका एंड को भी लेकर आपको L हो या फिर R हो, R पर तो हमने ऑलरेडी लगाया था, इसको हम L के साथ कुछ इस तरीके से कर देंगे कनेक्ट। ऑलराइट गाइस यहां पर हो चुका है सब कुछ डन। अभी हम होम थिएटर का वायर को लेंगे उसके जैक को इसके कॉपियर केबल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। अगर आप चाहें होम थिएटर को डायरेक्टली बजाने के लिए यहाँ पर से आप निकाल के बजा सकते हैं या फिर कॉपियर केबल पर भी आप इनपुट दे सकते हैं AUX केबल के मदद से। ऑलराइट गाइस यहाँ पर इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, हमने जो सारे तार जो इस तरीके से निकले थे उन सबको गाइस हमने इकट्ठा कर लिया है और उनको टाई के मदद से एकदम फिनिशिंग टच फिनिशिंग लुक दे दिया है आप देख सकते। सो गाइस अब बारी है इसका टेस्टिंग की, तो लेट्स गो फॉर द टेस्टिंग। तो गाइस यहां पर मैंने टीवी का पावर को कर दिया है ऑन। नहीं है तो क्या तेरा बाप है? मैं अपने बाप की तस्वीर लेके जाऊ से पता नहीं जिस कोयले की फैक्ट्री यहाँ बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो मैडम। तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं मानो, मैंने कुछ सोचा है। एग्जीबिशन में जो भी इस पकोड़े वाली शक्ल को पहचानेगा उसे प्राइस में हम एक भजिया देंगे और क्लू के लिए बॉस चटनी लेकर खड़े रहेंगे। अपना मुंह बंद रखो। अभी गाइस हमने टीवी का पावर को ऑफ कर दिया है और आप सुन सकते हैं कि होम थिएटर पर जो इसका ऑडियो है वो आ रहा है। तो पेंटिंग में मिस्टेक निकालकर मुझे गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहे थे। अरे तुम बात का गलत मतलब निकाल रही हो। बस मुझे और कुछ नहीं सुना, अब मैं अपनी बेइज्जती और नहीं सह सकती हूँ। ओहो डैड, तो गाइस अभी हम फोन पर से इस पर म्यूजिक प्ले करके देखेंगे कि किस तरीके का इसका ऑडियो आता है और टीवी पर प्ले होता है कि नहीं। ऑलराइट गाइस एज यू कैन सी ये टीवी पर भी प्ले हो रहा है बड़े ही अच्छे तरीके से।
तो गाइस अभी मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। टीवी पर एक म्यूजिक मोड करके आता है, जब आप फोन से ऑडियो प्ले कर रहे होंगे तो टीवी के म्यूजिक मोड को मेन्यू के बटन पे जाके कुछ इस तरीके का म्यूजिक मोड को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपका जो पिक्चर ट्यूब है मतलब जो वीडियो है वो ऑफ रहेगा, ओनली आपका जो म्यूजिक है वो प्ले होगा। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये चीज गाइस अच्छा लगा और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये सब लगता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, परिवार पर नए हैं परमानेंटली जुड़ने के लिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।